रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। भाजपा के संभावित प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह द्वारा उड़ाई जा रही आचार संहिता की धज्जियां। आचार संहिता लागू होने के बाद भी गाड़ी में हुटर लगाकर घूम रहे प्रद्युम्न सिंह व भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, सत्ता का नशा, सत्ताधारी नेताओं के सामने झुका है पुलिस प्रशासन। ब्रेकिंग न्यूज, छतरपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष व बड़ाम लहरा उपचुनाव के भाजपा से संभावित प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह द्वारा उड़ाई जा रही आचार संहिता की धज्जियां। सत्ता की हनक दिखाकर चार पहिया वाहन में हुटर लगाकर घूम रहे प्रद्युम्न सिंह आचार संहिता लागू होने के बाद भी नहीं हटाए अपनी गाड़ी से हुटर। भाजपा कार्यालय के सामने गाड़ी में बैठे भाजपा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह व बड़ाम लहरा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह से हुटर लगाकर गाड़ी से घूमने व आचार संहिता का उल्लंघन के संबंध में जब पूछा तो वह चुप्पी साधते नजर आए। उन्होंने कहा, हम भी हुटर निकवा देंगे, सत्ता का नशा। वही कांग्रेस प्रवक्ता अभिलेख खरे ने कहा कि प्रद्युम्न सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए उन पर कोई भी नियम कानून लागू नहीं होता। पुलिस द्वारा इन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि वह सत्तारूढ़ पार्टी के नेता है। आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन किस तरह सत्ताधारी नेताओं के सामने झुका हुआ है।